हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको क्लास इलेवन का जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का उसका चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कराने जा रहा हूँ तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सो अकाउंटिंग इज अ सिस्टेमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग एनालाइजिंग इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर्स तेरफ मतलब सबसे पहले हमने रिकॉर्ड करना है क्लासीफाई करना है समराइज करना है एनालाइज करना है और इंटरप्रेट करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ताकि हम यूजर्स को उनके रिजल्ट के बारे में कम्युनिकेट कर सकें टाइमली सो द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन है ऑनर्स हैं क्रेडिटर्स हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं इंप्लाइज हैं एंड गवर्नमेंट हैं ठीक है बच्चो तो इट गिव्स इंफॉर्मेशन मतलब अकाउंट्स कैन गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द अवेलेबल रिसोर्सिज दूसरा हाउ द अवेलेबल रिसोर्स हैज़ बीन इम्प्लॉयड कि किस तरीके से जो रिसोर्स हैं दिए हैं ऑनर्स ने वो यूज़ किए गए हैं एंड द रिज़ल्ट अचीव्ड बाई देयर यूज़ और उनको अचीव आ, यूज़ करने के बाद रिसोर्स को यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट आया इट शोज़ द प्रोफिट अर्नड और लॉस इंकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ये हमें बताता है कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस आया है ठीक है बच्चों वैल्यू एंड नेचर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी एंड कैपिटल ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल में कितना चेंज आया है ठीक है ये सारी डिटेल हमें बताता है सो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर उसकी वैल्यू नेचर ऑफ एसेट्स कितनी एसेट्स कंपनी के पास है कितने लाइबिलिटीज हैं और ऑनर्स की इक्विटी मतलब कितनी कैपिटल है सिंस अकाउंटिंग इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सिंस जो अकाउंटिंग है वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है ठीक है सो इट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इसलिए अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं सो एट्रीब्यूट्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है कि इसमें ये हमारे जो एट्रीब्यूट्स और करेक्टरिस्टिक्स गए एक ही चीज़ होती है इसको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना सो so, अकाउंटिंग में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब हैं और वो बिजनेस से रिलेटेड हैं उसी को ही रिकॉर्ड किया जाएगा <coughs> दूसरा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी किस में मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मनी कोई भी चीज़ जो मनी में कन्वर्ट की जा सकती है हम अकाउंट्स में उसी को ही रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डिंग किस में करते हैं हम रिकॉर्डिंग पहले जर्नल में करते हैं फिर लेजर में करते हैं ठीक है जी उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है ट्रायल बैलेंस बनता है ठीक है बच्चों और उसके बाद हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं ठीक है जी ओके सबसे पहले क्या आता है बच्चों जर्नल बनता है फिर क्या बनता है लेजर बनता है और उसके बाद क्या बनता है ट्रायल बैलेंस तो ट्रायल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है फिर ये हमारा सिर्फ रिकॉर्डिंग में हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं पहले यही सारा प्रोसेस आएगा और क्लासिफाइंग में ये रिकॉर्डिंग में उसके बाद हमने उसको क्लासिफाई कर देना अलग अलग ग्रुप्स में लेजर में चला जाएगा अलग ग्रुप्स में लेजर में चला जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं हर व्यक्ति का अलग डिफरेंट एसेट्स के अकाउंट अलग बनेंगे लाइबिलिटीज़ के अकाउंट अलग बनेंगे एक्सपेंसिज के अकाउंट अलग बनेंगे ठीक है फिर उसको समराइज़ करके ठीक है उसको समराइज करके हमने उसका क्या निकालना ट्रायल बैलेंस तो समराइजिंग में क्या आ जाएगा ट्रायल बैलेंस आ जाएगा मतलब टोटल हमने फाइंड आउट करके एनालाइज करना और इंटरप्रिटेट करना है यहां पे हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों और कॉम्युनिकेटेट करते हैं रिजल्ट्स को तो यही हमारे जो स्टेप्स हैं ये हमारे फीचर्स एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ पहले आइडेंटिटीफाइंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स दूसरा मेजरिंग द आइडेंटिटीफाइड ट्रांजेक्शन तीसरा रिकॉर्डिंग चौथा क्लासीफाइंग पाँचवां समराइजिंग छठा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन एंड सातवां कम्युनिकेटिंग उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो उद्देश्य क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंट्स बनाने का फायदा या ऑब्जेक्टिव ये आता है कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में हमें ये हेल्प करता है उसके बाद डिटर्मनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को डिटर्मिन करने में भी हमारी हेल्प करता है एंड उसके बाद है डिटर्मिनंग फाइनेंशियल पोजीशन फाइनेंशियल पोजीशन में डिटर्मिन करने में हेल्प करता है किस तरीके से जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ठीक है बच्चों फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट की हेल्प भी करता है एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टाइम पे और डिफरेंट टाइम पीरियड के और प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र जितने भी यूजर्स हैं उनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये ठीक है बच्चों और प्रोटेक्टिंग एसेट्स ऑफ द बिजनेस और जो बिजनेस की एसेट्स उसको प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्ट कैसे करता है जब तक हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा हमें पता ही नहीं चलेगा उसका टोटल क्वांटिटी एज वेल एज उसकी वैल्यू के बारे में सो इट आल्सो हेल्प्स हेल्प्स अस टू प्रोटेक्ट द बिजनेस एसेट्स ठीक है बच्चो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फंक्शंस क्या है अकाउंटिंग के फंक्शन में अकाउंटिंग में जो आएगा वो सबसे पहले बच्चों आता है मेंटेनिंग सिस्टेमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को सिस्टेमेटिकली बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकाउंटिंग ठीक है जी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसको बोलते हैं बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट को और उसके बाद किसको बोलते हैं बैलेंस शीट सो बैलेंस शीट हमारे लिए क्या चीज़ है बैलेंस शीट हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट है उसके बाद मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब जब भी हमें कोई लीगल कंप्लाइंस देना होता है चाहे वो टैक्स से रिलेटेड है गवर्नमेंट को हमने क्या देना गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए उसमें भी अकाउंट्स हेल्प करता है टैक्सीशन परपज़ मेजरली पर्पज़ के लिए भी ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है अकाउंटिंग कॉम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बार बार आ रहा है कम्युनिकेट करना किसको यूजर्स को और असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट असिस्टेंट मतलब हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग क्योंकि कोई खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है किसको ज़्यादा खर्चा करना है कहाँ पर कम करना है कहाँ रेवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग में भी ये हेल्प करता है ठीक है बच्चों तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग तो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग में हमारे पास सबसे पहले बच्चों क्या आ रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमें देता है बिजनेस के बारे में जो भी हमें बिजनेस के बारे में अकाउंट से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें अकाउंट्स से ही मिलती है अगेन असिस्टेंट हेल्पिंग द मैनेजमेंट इन टेकिंग द डिसीजंस रिप्लेस मेमोरी बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट वी कांट रिमेंबर ऑल थिंग्स ओरली ठीक है इसलिए हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है इसलिए अकाउंटिंग रिप्लेसिज मेमोरी फैसिलिटेड कंपेरिटिव स्टडी एक फर्म का दूसरी फर्म के साथ या एक साल का दूसरे साल के साथ जो कंपेरिजन करने में हमारी मदद करता है अकाउंटिंग और फैसिलिटेड सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी सो टैक्स लाइबिलिटीज को भी सेटल करने में ये हमारी हेल्प करता है उसके बाद फैसिलिटेट लोन्स लोन्स को रिसीव करने में हमें अगर मार्केट से लोन लेना है तो उसमें भी हमें ये हेल्पफुल होता है क्योंकि जो भी लोन देने वाली एजेंसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स हैं जो जो हमें लोन्स देते हैं वो हमारा अकाउंटिंग ही तो देखते हैं अकाउंट्स में वो क्या देखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ठीक है जी और एविडेंस इन कोर्ट ये कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है प्रूफ के फॉर्म में जो भी वैलिड अकाउंट्स होते हैं वो हम वैलिड अकाउंट्स कैन बी यूज्ड एज प्रूफ ठीक है बच्चों उसके बाद फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस बिजनेस को सेल करने में भी ये हेल्प करता है क्योंकि हमें अपने बिजनेस की वैल्यू पता चल जाती है ठीक है जी असिस्टेंट इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ये इंसॉल्वेंसी में भी हमारी हेल्प करता है अपने बिजनेस की वर्थ देखने में और कितने में ये बिक जाएगा कितनी लाइबिलिटीज पे करने में हम सक्षम होंगे ठीक है जी इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है जब हम अपनी एसेट्स इतनी कम पड़ जाएं कि हम अपनी लाइबिलिटीज पूरी ना दे पाए सो हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स हमें ये पार्टनरशिप बिजनेस में भी ये हेल्पफुल होता है पार्टनर्स के वो ताकि वो अपने बिजनेस को में प्रॉफिट को शेयर कर सकें ठीक है बच्चों तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके लिमिटेशंस सो लिमिटेशन क्या है सबसे पहले अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट इसमें हमें बहुत साइम कुछ एजम्पशन कुछ प्रोविजन्स लेनी पड़ती हैं प्रोविजन और एंटिसिपेशन पे बेस्ड होती हैं और कुछ एजम्शंस लेनी पड़ती हैं इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पूरी तरह एग्जैक्ट नहीं है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन कई बार अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है जो पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती उसके बाद तीसरा अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव आस्पेक्ट तो इसमें आपके क्वालिटेटिव आस्पेक्ट जैसे इंटेलिजेंस <coughs> एंड ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होती ठीक है जी बूम या डिप्रेशन का पीरियड है बूम एंड डिप्रेशन इन मार्केट ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होता ठीक है जी जो जिसकी वजह से कई बार हमारा बिज़नेस प्रभावित होता है और अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस पहले मान लो दो साल पहले 2022 21 में क्या रेट था 2022 में किसी प्रोड आइटम का क्या रेट था या रॉ मटेरियल का क्या रेट था तो ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है जो रेट 21 का था हमने उस पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड करी थी बाईस के में बाईस के हिसाब से और तेईस में तेईस के हिसाब से तो ये हम प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है हम एनालिसिस ही नहीं कर पाते कि ये जो इस साल हमारी 2023 में जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है वो किस वजह से हुई है क्योंकि उसका इम्पैक्ट क्या रहा दो साल पहले प्राइस कुछ और था इस साल प्राइस कुछ हो रहा है लेकिन हमें करंट ईयर के प्राइसेस पे ही करना होता है इसलिए प्राइस इफेक्ट को हम नहीं देखते सो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनी पुलेशन ऑफ अकाउंट्स अकाउंट्स में ये एक प्रॉब्लम ये है कि हम इसको विंडो ड्रेसिंग कर सकते हैं मैनुपुलेशन की जा सकती है अपनी सिचुएशन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए या अपनी सिचुएशन को कम करके शो करके दिखाने में भी दोनों तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है ठीक है बच्चों तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस अकाउंटिंग का रोल क्या है बिजनेस में सबसे पहले अगेन वही बात इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग सिस्टमेटिक असिस्टेंट टू असिस्टेंस टू मैनेजमेंट ये मैनेजमेंट में हमारी हेल्प करता है ठीक है उसके बाद फैसिलिटेड कंपेरेटिव स्टडी एविडेंस इन कोर्ट यस फैसिलिटेड इन रेजिंग लोन एंड फैसिलिटेड सेटलमेंट इन टैक्स लाइबिलिटी ये एडवांटेजेस एंड रोल एक ही है ओके okay जी इसमें कोई चेंज नहीं है तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस गाइज ये अकाउंटिंग प्रोसेस और जो हमारे करैक्टरिस्टिक्स थे ये एक ही हैं करैक्टरिस्टिक्स तो ये टॉपिक आपको अलग आ सकता है लेकिन उसका जो लिखना है वो सेम ही है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और ठीक है एंड इवेंट्स उसके बाद नंबर दो में रिकॉर्डिंग करनी है फिर आपको क्लासीफाई करना है करना, analyze, लेजर में ट्रांसफर में टोटल कहां पर चला जाता है आगे ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद फिर उधर हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है और उसके बाद हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को ठीक है जी ये बच्चों आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की सो so, बेटा ब्रांचिंग ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स इन एसेटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड position, financial position of business, business or cost accounting, the cost accounting is that branch of accounting which helps in finding कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस एंड ऑल्सो गाइड इन कॉस्ट कंट्रोल ठीक है बचो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है इट हेल्प्स इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन अनलिस इन एनालिसिस मैंने गलत लिख दिया एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग फॉर बेटर कंट्रोल फॉर बेटर कंट्रोल सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है इज़ दैट अकाउंटिंग विच हेल्प्स टू डिटरमाइन द अमाउंट स्पेंट बाय दिजनेस फॉर्म इन सोशल सर्विसेज सोशल सर्विसेज में उन्होंने कितना पैसा यूज खर्च किया है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर उसको हम क्या बोलते हैं सोशल अकाउंटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और क्या एक है टैक्सेशन अकाउंटिंग टैक्सेशन अकाउंटिंग इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस ठीक है जी ये ब्रांचिज हैं हमारी अकाउंटिंग की ठीक है बच्चों समझ लग गया आपको ठीक है जी तो ये मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आपने एक बार ये क्लास में भी एक बार पढ़ा है कॉपी बनाई है नोट्स बनाए हैं और ये मेरी वीडियो से देख के आपको अच्छी तरह से रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी आ जाएगा अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम कर रहे हो तभी ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं और मैंने हेडिंग्स ही इसलिए उठाए हैं ताकि आपको हेडिंग्स को याद करने में कोई दिक्कत ना आए क्योंकि जब आपको हेडिंग्स याद आ जाता है तो अभी तक जब तक आपका हाफ ईयर एग्जाम आएगा तब तक आपको दिक्कत नहीं रहेगी उसको लिखने में सो डिफरेंस बिटवीन अभी अगला टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सबसे पहले हम बात करेंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है क्योंकि बुक कीपिंग एक ऐसी चीज़ है जो अकाउंटिंग से पहले आती है ठीक है बच्चों पर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को समझने से हमें बुक कीपिंग के बारे में ज्यादा पता चल जाता है सो so, पहले बुक कीपिंग की डेफिनेशन में लिख देता हूं बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ठीक है बचो तो अब हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो सबसे पहले यारा बुक कीपिंग में ये पहले हमने बुक कीपिंग लिखा दूसरे में अकाउंटिंग और ये स्कोप है बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग में क्या है अकाउंटिंग इन्वॉल्व समराइजिंग इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट दूसरा स्टेज इट इज अ प्राइमरी स्टेज इसकेंडरी स्टेज उसके बाद तीसरा इसका है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इधर ए टू एसरटेन नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजिशन एंड कम्युनिकेट टू द यूजर्स नेचर ऑफ जॉब रोटीन एंड एनालिटिकल परफॉर्मेंस बाई जूनियर स्टाफ और अकाउंटिंग कौन करता है सीनियर स्टाफ और स्पेशल स्किल क्या हैं स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं है लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है तो ये तो हमने कर ही लिया है बुक कीपिंग का मीनिंग तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ अगला टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तो गाइज यहां पे समझने वाली चीज है कि अकाउंटेंसी कोड की डेफिनेशन यदि आए तो आप ये चार सेंटेंस भी अगर आप लिख दोगे तो वो अकाउंटेंसी का मीनिंग बन जाएगा लेकिन अकाउंटेंसी को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें उसका अकाउंटिंग के साथ कंपेरिजन करना जरूरी है सो so, यहां पे लिखा है हमने अकाउंटिंग और ये है अकाउंटेंसी तो इट इज अकाउंटिंग की बात करें इट इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटेंसी इट इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोसेसिंग सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व वाइल डूइंग अकाउंटिंग तो अकाउंटिंग तो हमें पता चल गया कि रिकॉर्डिंग है क्लासीफाइंग है समराइजिंग है ठीक है जी बट अकाउंटिंग क्या है दैट बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमें यह बताती है कि यह सब करना कैसे कि अकाउंटिंग कैसे करनी है अकाउंटेंसी इज दैट बॉडी ऑफ नॉलेज जो हमें यह बताती है कि अकाउंटिंग कैसे करनी है सिंपल स्कोप अकाउंटिंग का स्कोप नैरो है और इसका अकाउंटेंसी का मच वाइडर अकाउंटिंग जो है वो डिपेंड करती है बुक कीपिंग पे और अकाउंटेंसी किस पे डिपेंड करती है बोथ अकाउंटिंग बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पे फंक्शंस मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है टू एसरटेन द नेट रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कम्युनिकेट देम टू द इंटरेस्टेड पार्टीज और उसके बाद इट इंक्लूड्स अकाउंटिंग के अकाउंटेंसी की अगर बात करें इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ठीक है बच्चों और उसके बाद है टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सब टाइप ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आएगा रिलायबिलिटी फिर दूसरे में रेलिवेंस तीसरे में अंडरस्टैंडेबिलिटी और चौथे में कंपेरेबिलिटी ये बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि अकाउंटिंग में हम क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं अकाउंटिंग में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चे वो है रिलायबल होनी चाहिए रिलायबल का मतलब ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए कि आपको फैक्ट फैक्ट्स पता चलें फैक्चुअल फैक्चुअल पोजिशन पता होनी चाहिए रिलाइबिलिटी में ठीक है ताकि इट कैन बी वेरीफाइड वेरीफाइड की जा सके एक्चुअल पोजिशन ट्रू पोजिशन बतानी है रेलिवेंस का मतलब विच इज रिलेटेड टू बिजनेस बच्चे ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं आपने सिर्फ उसी पे फोकस करना है ये जो पॉइंट्स पे फोकस करोगे तो आप इस पर बड़े से बड़ा पैराग्राफ भी लिख सकते हो विच इज रिलेटेड टू द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड मतलब जिसकी रेलिवेंस है हम उसी की ही बात करेंगे और अंडरस्टैंडेबिलिटी इसका मतलब कि उस तरीके से होना चाहिए सिंपल प्रिसाइस एंड मीनिंगफुल मीनिंग फुल ठीक है जिसका कोई मतलब निकले तो उसी को ही और इजीली अंडरस्टैंडेबल किया जाए ये है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और कंपेरेबिलिटी कंपेयर किससे करना है परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट ईयर्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज यह किसका आएगा परफॉर्मेंस ऑफ टू डिफरेंट ईयरस का यह सेम कंपनी और टू डिफरेंट कंपनीज का किस पे आएगा सेम ईयर का सेम ईयर का कंपनी ए और कंपनी बी का कंपैरिजन और ये कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए ये बिजनेस में कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि आप रिजल्ट को यूनिफॉर्म तरीके से बनाओगे इसका मतलब कि जो आप अकाउंटिंग करोगे वो एक यूनिफॉर्म मेथड बनाओगे ताकि उसको ईजिली कंपेयर किया जा सके ठीक है बच्चों और उसके बाद इसका जो फिफ्थ पॉइंट है वो है फेथफुल प्रेजेंटेशन लास्ट पॉइंट है इसका बच्चों फेथफुल प्रेजेंटेशन कि सही प्रेजेंटेशन होनी चाहिए ऑनर्स के प्रति फेथफुल होना चाहिए जो भी बंदा अकाउंट्स बना रहा है गलत इंफॉर्मेशन कोई हाइड नहीं करनी आपने फेथफुल प्रेजेंटेशन और आई डोंट थिंक इसको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत आगे ओके okay जी तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं ये क्वालिटेटिव uh, एस्पेक्ट्स हो गए ये भी हो गया चलिए अब हम बात करते हैं आगे यूजर्स ऑफ उनविस्ट्री एक्जर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजर्स कौन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये हमारे पास क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स आ गए ना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के तो वही चीजें रिलायबल रेलिवेंट अंडरस्टैंडेबल कंपेरेबल एंड पांचवा फेथफुल प्रेजेंटेशन ठीक है बच्चों ये मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन कर दिया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके की ही होनी चाहिए ठीक है जी ओके okay बेटे समझ लग गया आपको ओके okay जी तो चलिए अब हम आगे बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारा यूजर्स क्या है का है फिर उसके बाद है मैनेजमेंट है इंटरनल यूजर्स ऑनर्स और मैनेजमेंट क्या होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स इंप्लाइज एंड वर्कर्स उसके बाद बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ पब्लिक एंड रिसर्चर्स ये बच्चों सारे क्या होते हैं हमारे यूजर्स इनको किसी ना किसी फॉर्म में हम अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ओके जी तो आप एक मिनट इसको अंडरस्टैंड करिए मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले ऑनर्स की ज़रूरत क्यों होती है ऑनर्स की जो ज़रूरत होती है ऑनर्स को अकाउंट्स में क्या देखना होता है अकाउंट्स में देखना होता है उन्होंने कि फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया फर्म की एक्चुअल सिचुएशन क्या है ये ऑनर्स की है ऑनर्स ने क्या देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की पोजीशन मैनेजमेंट ने उसको ओवरऑल पोजीशन देखनी है ओवरऑल पोजीशन ऑफ द कंपनी ठीक है जी तो ये उन्होंने देखनी होती है ओके okay, और उसके बाद एम्प्लॉज ने क्या देखना एम्प्लॉयज ने देखना है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है ताकि उनको क्या मिल सके उनको अपनी सैलरी और वेजेस टाइमली मिल सके ठीक है बच्चों और उसके बाद उसके बाद क्या है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूश को देखना है कि आपकी पोजीशन कैसी है ताकि आपको लोन ग्रांट किया जा सके या नहीं किया जा सके और यदि ऑलरेडी बैंक से लोन लिया हुआ है तो आपको क्या देखना है आपको क्या देखना है बच्चे आपको ये देखना है बैंकों यदि आपने पहले लोन लिया तो क्या आप उनका लोन पे कर पा रहे हो इंटरेस्ट पे कर पा रहे हो इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स ने देखना कि उनकी मनी सेफ है और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ने आपने ये देखना है कि क्या आपकी पोजीशन सॉलिड है तभी तो वो आपकी बिज़नेस में पैसा लगाना चाहेंगे क्रेडिटर्स ने यह देखना कि जिन्होंने आप जिन उन्होंने जिन्होंने आपको उधार दिया है वो आप उनका पैसा लुटा भी पाओगे या नहीं ताकि वो दोबारा आपको उधार दें या ना गवर्नमेंट ने देखना है कि क्या आप अपने ड्यूज़ या टैक्सेस पे कर पा रहे हो और पब्लिक ने देखना है कि बिज़नेस की सिचुएशन कैसी है ताकि जो बिज़नेस सोसाइटी के यूजर, को यूज रिसोर्स को यूज़ करा है वो ठीक ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा तो रिसर्चर्स को अपने किसी ना किसी तरीके के लिए डाटा चाहिए ही होता है अपने रिसर्च को आगे कंटिन्यू करने के लिए तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक रिलायबल डाटा होता है उनके लिए तो गाइज ये हमारा जो क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है अब एक बात आ गई कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है बार बार एक ही चीज आ रही आ रही है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है ये तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपको पता ना क्या है एक तो पहले आ जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है जी दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पे दोस्तों बैलेंस शीट ठीक है जी बार बार इसी की बात आ रही है और तीसरा क्या आ गया कैश फ्लो पोजीशन ठीक है बच्चों तो चलिए अब हम एक बार इसको दोबारा समराइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी ठीक है तो मैं आपको एक बार फिर बताता हूं कि हमने क्या क्या इसको अंडरस्टैंड किया है चलिए ये एक बार दोबारा मैं वापिस आ रहा हूं एक एक पेज को लेके ताकि आपको एक बार समराइज कर दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है तीन दो एक हाँ जी सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया हमने अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा ओके जी ये मीनिंग क्लियर है बच्चों आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताइए मैं आपको सूटेबल रिप्लाई जरूर दूंगा आपकी क्वेरी का ठीक है जी ये हमारा मीनिंग आ गया उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया फीचर्स जिसको हम फंक्शंस या एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं ये रहे हमारे फीचर्स और उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आ गया हमारा ऑब्जेक्टिव ये हमारा क्या आ गया बच्चों ऑब्जेक्टिव आ गया गाइस मैंने इसमें आपको क्या किया है सिर्फ हेडिंग्स लिख के दिए ताकि क्रक्स आपको याद रह सके बड़े बड़े नोट्स तो आपके बुक्स में ऑलरेडी लिखे हुए हैं उसी चीज़ को दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता आपको अंडरस्टैंड करना जो मैंने समझाया और उसके बाद क्या है फंक्शंस फंक्शंस ये आ गए उसके बाद क्या आया एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग क्या आ गया बच्चों एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आ गए ठीक है बच्चों समझ लग गया आपको उसके बाद क्या है एडवांटेजेस ये आगे दस के दस लिख लिया आपने हाँ जी उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग तो ये भी अपने आप में ये इंडिपेंडेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लिमिटेशंस का तो लिमिटेशंस ये रहे बच्चों आपके सामने लिमिटेशंस और उसके बाद रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस रोल अकाउंटिंग का क्या है बिजनेस में पहला चैप्टर देखने में काफी बच्चों को बोरिंग या लेंथी लग सकता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों क्योंकि थ्योरी को अंडरस्टैंड किए बिना आप उसको नहीं लिख पाओगे तो उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस या उसके करेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स सेम हैं ठीक है जी और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग ब्रांचेस या डिफरेंट टाइप्स भी आप इसको बोल सकते हो अकाउंटिंग की ठीक है जी टैक्सेशन अकाउंटिंग ओके बच्चों चलिए ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे आगे लिमिटेशन के बाद अब बुक कीपिंग के मीनिंग की तो बुक कीपिंग का मीनिंग तो ये रहा लेकिन बुक कीपिंग के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के मीनिंग को, को मतलब या उसके डिफरेंट को डिफ्रेंस को समझना जरूरी है तभी हम बुक कीपिंग को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे ठीक है बच्चों ये समझ लग गया आपको ये रहा उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा बुक कीपिंग के बाद ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी ये बच्चों क्या आ गया अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस ओके बच्चों, ओके जी ये आ गया आपका ठीक है तो अब उसके बाद ये रहा हमारा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट और कैश फ्लो पोजीशन भी आ जाती है और ये क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ठीक है बच्चों ये हमारा वही वाला टॉपिक आ गया जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था ओके रिलायबल होना चाहिए रेलिवेंट होना चाहिए अंडरस्टैंड होना चाहिए कंपेरेबल होना चाहिए और फेथफुल प्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ भी अंडरस्टैंड किया था ओके okay बच्चो ये वाले पॉइंट्स को आप को इस तरीके से अंडरस्टैंड करिए ओके जी ठीक है तो अब उसके बाद लास्ट में हमने अंडरस्टैंड किया यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड हो करता हूं मैं हां एक चीज आपको यहां बताना बहुत जरूरी है ये देखिए एक चार्ट बना के मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले आती है बुक कीपिंग यहां से एक चीज अंडरस्टैंड करिए गाइज सबसे पहले क्या आती है बुक कीपिंग उसके बाद आएगी अकाउंटिंग और क्या आएगा उसके बाद अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी तो बच्चों इसका मतलब बुक कीपिंग छोटी है अकाउंटिंग उससे बड़ी है और अकाउंटेंसी तीनों से बड़ी है तो ये आर आप लार्जर प्रोस्पेक्टिव में इसको याद रखना ठीक है. है जी तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और चैप्टर वन यहीं पे कंप्लीट होता है आप बाकी चैप्टर्स के लिए और इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियोज़ देखते रहें और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहेंगे Wishing you good luck.